हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल रीड प्रेजेंट परफेक्ट। हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और अपने टेंस पार्ट वन प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने टेंस के ये थ्री काइंड्स और इन थ्री काइंड्स के अलग अलग फोर फोर डिवीजन के अकॉर्डिंग टेंस वर्ड काइंड्स का है ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो मैं बच्चों आपसे ये उम्मीद करूंगी कि इस टेंस को यानी कि टेंस पार्ट थ्री प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने के पहले टेंस पार्ट वन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पार्ट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस जरूर देखिए, तभी जाकर के प्रेजेंट परफेक्ट ये आपको क्लियर होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ से आया। जब आप पार्ट वन देख लेंगे तो उस पार्ट वन में दिया हुआ है कि ये थ्री काइंड्स है, इनके अलग अलग फोर फोर काइंड्स है, उसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में ये रहता है कि कोई काम पहले हो चुका है, मतलब क्रिया हो चुकी होती है, ठीक है ना। क्रिया के हो चुके होने का भाव रहता है। अब क्रिया के हो चुके होने का मतलब क्या है, ये भी आप प्रीवियस क्लास में देखे होंगे, जब हम छोटे बच्चों को बताते हैं तो उसमें चुका चुकी जैसे वर्ड्स वर्ब में लगे होते हैं, ये पहचान होती है, चुका चुकी जैसे वर्ड्स लगे होते हैं, मतलब काम हो चुका है, आज ही पहले ही हो चुका है। तो अब उसको सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं आइए देखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज कहां लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव कहां लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट के पास। फर्स्ट पर्सन आपका क्या है, आई बी, सेकेंड पर्सन आपका क्या है, यू, और प्लूरल आप जानते हैं ये दे है, दे के साथ आप बॉयज गर्ल्स कुछ भी आप कोई भी प्लूरल वर्ड आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, ये इस टेंस की खासियत। कैसे लिखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम रवि ले लेते हैं, रवि सब्जेक्ट, रवि, अब हैज लगेगा कि हैव, चलिए यहां से देखते हैं, हैज वहां लगेगा सिंगुलर, क्या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऑब्वियसली है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, रवि हैज, तो हैज हैव में से एक डिसाइड किया हुआ हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम कोई भी सेंटेंस गॉन कर देते हैं, गो का थर्ड फॉर्म गॉन है, ही हैज गॉन, राम जा चुका, रवि जा चुका है, रवि जा चुका है, रवि हैज गॉन, ठीक है ना। कोई और बना लेते हैं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, चलिए लिखते हैं आई, अब आई कहां लगेगा, सिंगुलर में तो है नहीं, आई आपका आया फर्स्ट पर्सन में, तो आई के साथ क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू है, तो क्या होगा, आई है, अब पढ़ चुका हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, रीडिंग, तो रीड रेड रेड होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन केवल रेड रेड हुआ है, स्पेलिंग वही रहती है, आई है रेड, बन गया। एक डे का बना लेते हैं कि वे सो चुके, वे सो चुके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वे के लिए दे, अब यहां देख लेते हैं हैज कहां रहेगा, दे हमारा प्लूरल में आया और है और प्लूरल के साथ ही होगा, तो क्या बनता है आपका, दे है और जाना, गो, गो का थर्ड फॉर्म, दे है गॉन, ये रहा आपका दे है, सॉरी गॉन इज स्लेप, दे है स्लेप, वे सो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका सेंटेंस बना है इसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज सिंगुलर के साथ, हैव आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन
सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में लगनी है। चलिए ये तो रहा आपका पॉजिटिव। हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं पहले ये देख लेते हैं। नेगेटिव लगाने बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें यहीं पर नॉट लगा देना होता है। नॉट मतलब सब्जेक्ट के बाद हैज एफ में से कोई है, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा। चलिए हम आई ले लेते हैं सब्जेक्ट। आई के साथ हैव लगना था जो अभी आपने देखा है, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। शी लगा लेते हैं, शी हैज नॉट ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। यू लगा लेते हैं, यू हैव नॉट स्लेप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रहा आपका नेगेटिव, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव पे फिर आते हैं। तो इंट्रोगेटिव जब पे लगाएंगे तो ये आपका जो नॉट है इसकी कोई चर्चा नहीं होनी है, ये नॉट आपका वहां पे जिक्र ही नहीं होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तब आपका नॉट दिखेना चाहिए, इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव में नहीं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में नॉट हट जाएगा और क्या होता है, ये आपका हैज बाहर आ जाएगा, यहाँ पे है ये बाहर आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, Have I written? क्या मैं लिख चुका हूँ? Has she eaten? क्या वो खा चुकी है? और have you slept? क्या तुम सो चुके हो? और इन सब के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो ये has have आपका बाहर आएगा, फिर यहाँ नॉट वापस चलाएगा। तो क्या बनेगा, Have I not written? क्या मैं नहीं लिख चुका हूँ? Has she not eaten? क्या वो नहीं खा चुकी है? Have you not slept? क्या तुम नहीं सो चुके हो? एक बार फिर से देखिए। Have I not written? And question mark. Has she not eaten? Question mark. And Have you not slept? क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने पॉजिटिव जिसमें आपने केवल सब्जेक्ट हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, नेगेटिव जिसमें सब्जेक्ट हैज है के बाद नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, इंट्रोगेटिव जिसमें आपने ये हैज है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लगा दिया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज है सब्जेक्ट के पहले आया सब्जेक्ट और नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क मस्ट है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स जिनके बारे में व्हाट वेयर हूं अभी मैंने बोला था वो अगर आवश्यकता है तो वो सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब के पहले भी लग जाएंगे। तो इस तरह से ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें आपने देखा कि काम हो चुका है जैसा सेंस रहता है और उसके सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होती है ये आपने इस वीडियो में देखा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।